तो आज क्या था कि आज यहाँ पे हमारे डीएसपी हैं राजेश चेची जी, उनको दीप रियल एस्टेट और सोशल डिवाइन की तरफ से सम्मानित किया गया कि ये बहुत बढ़िया इस महामारी के दौर में जो कोरोना फैला हुआ है उसके अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घर में रहो, सुरक्षित रहो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनको आज हम उनके सम्मान में हमने ये सब प्रोग्राम रखा था। जो हमारे समाज में आज की डेट में लोग घरों में बंद हैं, तो आज यही हमारे पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, ये सारे लोग हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। ये हैं आज की डेट में, तभी हम हैं, नहीं तो हम आज इस तरह से सुरक्षित अपने घरों में नहीं रह सकते। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पूरे प्रशासन का, सिरसा प्रशासन का, जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। इतने अच्छे तरीके से हमें सारी सुख सुविधाएँ घर पे बैठे बैठे मिल रही हैं, राशन मिल रहा है हमें, पुलिस पूरी हमारी टेक केयर कर रही है, डॉक्टर्स पूरे एक्टिव हैं हर जगह पर, और मीडिया बड़े अच्छे से इसको, हमारी जो भी खबरें हैं, जो भी देश के हालात हैं या जो सिरसा के जो हालात हैं, इसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, तो इन सबका दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभी सिरसावासी। ये इस तरीके से ऐसे अच्छा काम करते रहें और हम यूँ ही सुरक्षित रहें और पूरा देश सुरक्षित रहे, ये मेरी कामना है। और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉश करें बार बार, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको फॉलो करें। जी सर, सिरसा के लोगों का मैं धन्यवादी हूँ कि ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा काम कर नहीं रहे, हमारी तो एक ड्यूटी है ये। 24/7 पुलिस की ट्रेनिंग में यही एक पार्ट है कि जब भी कोई इस तरह के इंसिडेंट होता है, कहीं बम मिल गया, कहीं आग लग गई, कहीं गोलियां चल गई, पब्लिक दूर भागेगी, हमें तो अंदर घुसना होता है। तो इसमें हम तो अब वो रूटीन की ड्यूटी कर रहे हैं, और धन्यवाद दें कि इन्होंने एक्नॉलेज किया इस तरह का, और आज ये आए हैं यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के नाकों पे भी, जैसे बता रहे थे कि हम जाके आए हैं, तो बहुत शुक्रिया। और इस तरह के काम करते रहें, थोड़ा मोटिवेशन के, बढ़िया। असल में क्या है, पुलिस हमेशा से ना, अगर आप छोटे छोटे इंसिडेंट देखो, जिस आदमी के साथ कोई घटना हो जाती है वो बता सकता है, जैसे कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, लोग फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको उठा के नहीं ले जाते, हमेशा पुलिस पहुँचाएगी कहीं ना कहीं। कोई डेड बॉडी पड़ी है, मैंने देखा है कुचले हुए डेड बॉडी या जड़ी हुई डेड बॉडी, कोई घर का भी हाथ नहीं लगाता, पुलिस उसको उठा के ले जाती है। तो काम शुरू से हमेशा करते रहें, पर अब की बार क्योंकि एक तरह से लॉकडाउन होने से क्या हो गया कि सब अंदर हैं, अब वो रोड पे भीड़ है नहीं, कहीं भीड़ है नहीं, तो दिखता है वर्दी वाला आदमी। हालांकि इसमें सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खासतौर पे डॉक्टर्स और नर्सेज और उनका पूरा पैरामेडिक स्टाफ जो है, एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं, मतलब पूरा देश, जैसे प्रेस है, पत्रकार जो हैं वो हर फील्ड में हर जगह खड़े मिलते हैं आगे, तो काम सब कर रहे हैं जिसकी जो जो ड्यूटी है। और समाज सेवी संस्थाएं, लोग, अभी ये 42 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें लोग खाना बना बना के सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कम देशभक्ति नहीं है वो, हम तो तनख्वाह लेके कर रहे हैं, वो जेब से खर्च के कर रहे हैं, तो सब लोग जुटे हुए हैं, जिसका जितना सामर्थ्य है काम कर रहे हैं। यही एक देश की, एक हमारे एक जो है ना खासियत है कि संकट के समय में सब एक हो जाते हैं।